वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर को लताड़ लगाई है। हाल ही में संजय मांजरेकर ने रविंद्र जडेजा के फॉर्म को लेकर आलोचना की थी और कहा था, वे खिलाड़ी नहीं पसंद जो किस्तों में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आजकल जडेजा वनडे में परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं टेस्ट मैचों में वे पूरी तरह से गेंदबाज है। मैं 50 ओवर क्रिकेट के लिए प्लेइंग 11 में या तो बल्लेबाज या किसी स्पिनर को शामिल करना चाहूंगा। जडेजा ने उनकी इस बात का जवाब देते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा था, इन सब के बावजूद आपने जितने मैच खेले हैं उससे दोगुना मैच मैंने खेले हैं और अभी भी खेल रहा हूँ। उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों का सम्मान करना सीखिए। मैंने आपके वर्बल डायरिया के बारे में काफी सुना है। बता दें कि वर्ल्ड कप में रविंद्र जडेजा को अब तक प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला है। इस बात को लेकर रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब टीम में और खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि जडेजा रैंकिंग में नंबर एक खिलाड़ी के साथ साथ नंबर वन ऑलराउंडर भी रह चुके हैं, फिर भी उनकी अनदेखी मेरी समझ से परे है। जडेजा और मांजरेकर की इस कहासुनी को लेकर पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब खिलाड़ी भी नेताओं की तरह होने लगे हैं। आप किसी की आलोचना या सवाल नहीं कर सकते। किसकी जगह टीम में शामिल किया गया हूँ की जगह जानते नहीं हो कितना मैच खेला है बोला जाने लगा है। रविंद्र जडेजा भले ही इस विश्व कप में कोई मैच अब तक ना खेले हों, लेकिन कुछ मैचों में वे बतौर सब्स्टिट्यूट फील्डर मैदान में उतर चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टीम इंडिया को पहली सफलता 160 रन पर मिली थी, तब राहुल की जगह फील्डिंग कर रहे जडेजा ने 60 रन पर जेसन रॉय का बेहद मुश्किल कैच पकड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जडेजा ने बेहतरीन फील्डिंग की थी। वर्ल्ड कप में विजय शंकर और शिखर धवन के चोटिल होने के बाद उनकी जगह मयंक अग्रवाल और ऋषभ पंत को शामिल किया गया। इन दोनों की जगह अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू और रविंद्र जडेजा के नाम लिस्ट में थे, लेकिन इन खिलाड़ियों की जगह बीसीसीआई ने दो नए खिलाड़ियों को चुना, जिसके बाद बहस और आलोचनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। उम्मीद है कि बीसीसीआई ने जिन खिलाड़ियों को शिखर और विजय शंकर की जगह मौका दिया है वो टीम इंडिया की उम्मीदों पर खरे उतरें। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।